यूनिक चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हसन। दोस्तों इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है, इसमें इन्वेस्ट करना टोटली आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप करोगे कि नहीं करोगे। मैं अपना यहाँ पे इस वीडियो में मेरा अपना राय रखूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा लास्ट 2-3 दिन में सबसे ज्यादा हाइक होने वाला कॉइन रिपल के बारे में। जी दोस्तों, रिपल जो है लास्ट दो दिन में टोटल 250% हाइक हुआ है। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, यह है आपका क्रिप्टो कंपेयर डॉट कॉम का चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको प्राइस जो है इंडियन करेंसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका 16 दिसंबर, यहाँ पे आपको देखो 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को जो प्राइस था 75 रुपीज, ठीक है, और आज जो है आपका 30 दिसंबर है और आपका प्राइस चला गया है लगभग 200 रुपए के आसपास। अगर मैं आपको बीटीसी में दिखाता हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बीटीसी में जो प्राइस चल रहा है अभी 17,000, अभी का जो प्राइस है 17,336 सतोशी, ठीक है, 17,336 सतोशी, जो लास्ट 24 घंटे में 86% हाइक हुआ है। जी दोस्तों, 86% हाइक हुआ है लास्ट 24 घंटे में। ये है उसका चार्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका लास्ट जो है, मैं आपको लास्ट 2 दिन का ही, 4 दिन का ही दिखाता हूँ। ये लास्ट 4 दिन का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइस था 26 तारीख को ओनली 6,500 जो है आपका सतोशी था, ठीक है, और आज के डेट में अभी का रेट देखोगे आप 17,000, तो लगभग जो है 300 गुना हाइक हुआ है सतोशी के बारे में, अगर आप सतोशी के हिसाब से बात करोगे तो, ठीक है, 300 गुना बढ़ा है। तो दोस्तों कंसर्न ये है, इतना बढ़ने का रीजन क्या है, सतोशी जो मतलब जो रिपल जो है प्राइस इतना हाइक हो रहा है वो बढ़ने का रीजन क्या है। जी दोस्तों, सिंपल सा बात है, लोग ज्यादा खरीद रहा है, जो चीज ज्यादा खरीदता है और सेल कम होता है उसी का रेट बढ़ता है, राइट दोस्तों। तो सिंपल सा बात है, अगर आप देखोगे वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे देखो 60,702 जो है बिटकॉइन इन्वेस्ट हुआ है इसमें लास्ट 24 घंटे में। और आपको बता दूं टोटल जो मार्केट कैपिटल जो है रिपल का, ठीक है, अभी जो रिपल का जो मार्केट कैपिटल है वो कितना बढ़ गया, और आप मैं बता देते इसका रिजल्ट क्या हुआ है। चलो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, देखिए टोटल जो मार्केट वैल्यू है जो है आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉलर में, ठीक है, यहाँ पे आपको डॉलर में देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कितना वैल्यू आपका बढ़ गया। यहाँ पे नंबर 1 जो है बिटकॉइन है, उसके जस्ट नीचे ही है आपका रिपल। जी दोस्तों, रिपल जो है लास्ट 4 दिन पहले तक रिपल जो रैंकिंग जो था 6 था, लास्ट 2 दिन में इसने 2 से 3 दिन में जो रैंकिंग नंबर 2 पे आ गया। जी, वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नंबर 2 पे अभी रैंकिंग है रिपल का, और रिपल जिस तेजी से बढ़ रहा है आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिटकॉइन को भी आगे पीछे छोड़ दे, क्योंकि रिपल का जो सक्सेस होने का जो 2-3 रीजन है मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा क्यों इतना बढ़ रहा है। जी दोस्तों, फर्स्ट रीजन मैं आपको बताऊंगा कि इसका इतना बढ़ने का रीजन ये है, इसका नेचर टाइप ऑफ करेंसी। बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, रिपल भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बिटकॉइन और रिपल में जो सबसे बड़ा जो अंतर है वो है रिस्क फैक्टर। जी दोस्तों, रिस्क फैक्टर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन जो है टोटल है डिसेंट्रलाइज है, मतलब बिटकॉइन को ऊपर रेगुलेट करने वाला या फिर मॉनिटरिंग करने वाला कोई संस्था नहीं है, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन के ऊपर, लेकिन सिमिलरली रिपल जो है टोटली जो है सेंट्रलाइज है। जी दोस्तों, इसके ऊपर सेंट्रलाइज कर रहा है एक कंपनी, रिपल खुद एक बड़ा कंपनी है, ये खुद इसके ऊपर रेगुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आता है। दूसरी बात है कि इसका ट्रांजेक्शन फीस, बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन फीस है काफी हाई है, अगर आप बोलोगे तो इसको करीबन जो है 1 लाख सतोशी, 1 से लेके 5 लाख सतोशी जो है इसका चार्ज करता है। अभी जो करेंट चल रहा है उसके हिसाब से देखोगे तो इंडियन करेंसी में कम से कम 800 से 1,000 रुपए का जो है आपको ट्रांजेक्शन फी देना पड़ेगा। तो जस्ट सोचो आप किसी को अगर बिटकॉइन भेजते हो 2,000 रुपए का, तो आपका 1,000 रुपए खाली ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी सिमिलरली रिपल में अगर आप जाओगे तो रिपल का जो चार्जेस है ट्रांजेक्शन फीस है 0.00001 रिपल, मतलब एक रिपल का भी इतना कम में 0.00, मतलब अगर आप देखोगे अभी $2.5 $2.33 चल रहा है प्राइस, मतलब कुछ इंडियन करेंसी में मैंने आपको दिखाया 190 रुपए का,
190 रुपए का अगर आप 0.00001 करोगे तो 15-20 पैसा पड़ेगा। तो कहाँ 15-20 पैसा, कहाँ पे आपको 1,000 रुपया। तो ये बहुत बड़ा अंतर आपको दिख रहा है ये ट्रांजेक्शन फीस में। तीसरा रीजन ये है कि रिपल जो है, रिपल बिटकॉइन जो है इंडिया में बहुत जो है, अभी इंडिया क्या पूरा देश में जो है इसको रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसमें इलीगल काम और टैक्स चोरी का मामला बहुत सामने आया। बहुत लोग जो है काला धन जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर टैक्स चोरी हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ना स्ट्रिक्टली एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो जिसके चलते आपको, आप लोगों को भी पता नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता है तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में कुछ 4 से 5 लाख सब्सक्राइबर को बिटकॉइन जो खरीदा है उनको नोटिस भेजा गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो इसका रीजन ये है कि कुछ लोग अभी जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने में डर रहा है, या फिर क्योंकि इन बिटकॉइन जो है इलीगल है, कभी भी इसके ऊपर बंद हो सकते हैं। अगर बंद हो जाए तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। तो लोगों के मन में चल, अगर बंद हो जाए तो कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा संस्था इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, प्लस उसके ऊपर सरकार का भी नजरदारी है। इसके कारण, इसके चलते जो है बिटकॉइन के ऊपर लोग जो है स्विच कर रहे हैं दूसरा कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी इसके लिए जो बहुत सारा जो इन्वेस्टर है जो बिटकॉइन पे पैसा लगाए थे, वो लोग अपना बिटकॉइन से पैसा निकाल के रिपल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रिपल में इन्वेस्ट हो रहा है जो पैसा, वो आपका बिटकॉइन में क्या इम्पैक्ट हुआ है, बिटकॉइन का इम्पैक्ट, पैसा क्यों रिपल में आया, उसका इम्पैक्ट क्या है। बिटकॉइन का मैं आपको यहाँ पे प्राइस चार्ट दिखाता हूँ लास्ट 2 हफ्ते का, आप देखोगे कि कितना प्राइस फॉल हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग जो 20,000 आपको डॉलर दिखेगा प्राइस, ये जो रेट था ये आपका रेट दिखा रहा है दिसंबर 17 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए रेट चल रहा कितना, 13,000, लगभग 50% जो है इसका, 50 से 60% जो है प्राइस ड्रॉप हुआ है लास्ट 2 हफ्ते के अंदर। और उसी सिमिलरली अगर आप देखोगे कि 2 हफ्ते में अगर आप रिपल का अगर देखोगे आपको प्राइस चार्ट, ठीक है, 2 हफ्ते का मैं सिलेक्ट करता हूँ रिपल का, ये 2 हफ्ते का चार्ट है। यहाँ पे देखिए आपका ओनली प्राइस जो चल रहा था 0.7 डॉलर था, और अभी चल रहा है आपका 2.33, मतलब आपको 300% जो है, 300 गुना जो है रेट बढ़ा है रिपल का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कुछ बिटकॉइन इन्वेस्टर है यहाँ पे अपना जो फंड है वहां पे आपको रिपल में कर रहे हैं। अभी रिपल जो है इतना ट्रस्टेड क्यों है, या फिर रिपल कम रिस्की क्यों है बिटकॉइन से, उसके लिए मैं आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं आपको रिपल का जो साइट में लेके चलता हूँ। जी दोस्तों, रिपल का जो साइट है यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ रिपल का पार्टनर कौन कौन है। रिपल का जो पार्टनर है यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा नाम देखेगा, एसेंचर, आईपीओ, केपीओ, बीपीओ, बहुत बड़ा कंपनी है इंटरनेशनल, एसेंचर इसका पार्टनर है। उसके बाद सबसे बड़ा नाम जो है गूगल है, गूगल वेंचर्स जो है ये इसका पार्टनर है रिपल का। उसके बाद है एसबीआई ग्रुप, एक जापानी बैंकिंग कंपनी है, उसके साथ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा जो कम नाम है ये लोगों ने रिपल पे इन्वेस्ट किया है। दूसरी ओर आप बिटकॉइन के ऊपर देखोगे कोई भी बड़ा कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो अगर करते भी है तो उसको लीगली नहीं है बोल के इसने बताया भी नहीं होगा, क्योंकि वो लीगल है ही नहीं, मैक्सिमम कंट्री में लीगल है ही नहीं, इलीगल भी नहीं है लेकिन लीगल भी नहीं है। जिसके और प्लस डिसेंट्रलाइज, इसके चलते बड़े बड़े कंपनी जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिकल नहीं कर रहा, तो ये बड़ा एक अंतर है। तो इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जो नेम है यहाँ पे इन्वेस्ट किया रिपल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि रिपल में जो है किसने किसने कौन कौन सा बैंकिंग कंपनी जो है इसके साथ टाई अप है। कुछ नाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फर्स्ट नाम जो दिखाना चाहूंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये बैंकिंग कंपनी इंडिया में भी है, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको पता होगा बहुत बड़ा कंपनी है, एक्सिस बैंक, ये नाम आई होप आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ईएस बैंक, तो आपको ये सब बैंक का नाम आपको पता अभी पता होगा अच्छे से। तो इतना बड़ा बड़ा जो कंपनीज है बैंकिंग है इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसका अगर प्राइस देखोगे तो आज के डेट में बहुत कम है प्राइस, ठीक है, 2 से 2.5 डॉलर का है। तो यहाँ पे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा प्रॉफिट के लिए। आपको बता दूं कि बिटकॉइन सॉरी रिपल का जो प्राइस है अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत, इसका प्राइस जो है बहुत अंडर वैल्यू था, लेकिन अभी लास्ट 2-3-4 दिन में जो जिस तरीके से प्राइस हाइक हुआ है,
इससे लग रहा है इसका आने वाला टाइम में, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जैन तक इसको जो प्राइस है 5 से 10 डॉलर के बीच में ट्रेड करेगा जी, 5 से 10 डॉलर के बीच में आराम से ट्रेड कर सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, प्लीज इस वीडियो को जो लाइक करिए, जितने भी लोग देखोगे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले टाइम में मैं आपको इसी तरीके से एनालिसिस या फिर इन्फॉर्मेशन में आपसे शेयर करूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे के बटन को भी प्रेस करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।